तो मेगा बजट कवरेज लगातार जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं तमाम अपडेट्स और वो तमाम चीजें आखिर आपको किस तरीके से ये बजट जो है प्रभावित करने वाला है आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशी और मैं हूं सुमित चौधरी। लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर कौन सी वो चीजें हैं जो आपके बजट को इफेक्ट यहां पर करने वाली है। आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की तरफ से देश का आम बजट पेश कर दिया गया है। तमाम सेक्टर्स को यहां पर जो है कहीं ना कहीं सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। हर सेक्टर के लिहाज से यहां पर समझने की कोशिश की जाए तो कुछ ना कुछ देने की कोशिश वित्त मंत्री की तरफ से की गई जिससे कि उस सेक्टर को बूस्टअप जो है वो मिल सके। चाहे हम यहां पर कृषि सेक्टर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम यहां पर बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, या इसके अलावा चाहे सर्विस सेक्टर की यहां पर बात जो है वो की जाए, सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो लोगों की कंसर्न देखते हुए जो नजर आ रही थी वो थी हेल्थ सेक्टर को, उसे भी कहीं ना कहीं ऐलान में शामिल किया गया है। बड़ी बातें हम यहां पर दिखाते हैं आपको। 15 इमरजेंसी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे। हेल्थ सेक्टर में बजट को बढ़ाया जाएगा। हेल्थ सेक्टर को जैसा हमने कहा है कंसर्न में रखा गया है। 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे और इसके अलावा देश में मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। वैक्सीनेशन प्रोसेस जो लगातार बच्चों का चलता है उसमें कोविड वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन। इसके अलावा 13 सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम, वहीं जल जीवन शहरी मिशन की भी जो शुरुआत है वो की जाएगी। वहीं 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे और वहीं 7,400 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर भी काम जारी है। आत्मनिर्भर हेल्थ योजना जिसका हमने यहां पर जिक्र किया था, एक इस तरीके का कार्ड डेवलप किया जाएगा जिसमें हर किसी के जो भी हिंदुस्तानी हैं, जो भी भारतीय हैं, उनके पूरे हेल्थ डेटा जो है उसमें स्टोर किया जाएगा। इसके जरिए उसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकेगा जिससे उसकी कोई भी जो हिस्ट्री है हेल्थ इश्यूज को लेकर वो उस कार्ड में होगी। यानी एक नए तरीके के कार्ड को डेवलप कर हिंदुस्तान के तमाम लोगों के, आम नागरिकों के हेल्थ को बेहतर करने की कवायद जो है वो की जाएगी। तो लगातार तमाम चीजें जो हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पर बात